क्या नाम हुआ बाबा आपका? कृष्णा सिंह। कृष्णा जी, क्या माहौल चल रहा है अभी? हम क्या बताएं सर, हम गाय चराते हैं, घास करते हैं, हम कुछ नहीं बता। गाय चराते हैं और घास काटते हैं, तो आप उस लिहाज से ही बताइए। गाय चराते हैं, घास काटते, मतलब आप किसान हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को 6,000 रुपया मिलता है। आप उसके लाभान्वित? मिलता है सर, मिलता है 6,000 रुपया। बुजुर्ग है, वृद्धा पेंशन भी मिलता होगा? अभी मिला नहीं है, बाकी मिलेगा। मिलेगा, उम्मीद है? उम्मीद नहीं, हो गया। हो गया है? हाँ, हाँ। मतलब सब कुछ अप्लाई कर दिया, अब मिल जाएगा। तो गौ सेवा में है सर, इसलिए मिल रहा है। मिल रहा है, गौ सेवा का फल मिल जाएगा। हाँ, है ना? विश्वास है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर हमको वोट चाहिए, 5 साल वो भी सांसद। उपेंद्र कुशवाहा जी तो बोले कि रीढ़ का ऑपरेशन करा देंगे। रीढ़ का ऑपरेशन करा देंगे? करा देंगे, वो कोटा निकलता है। एगो संतोष मुखिया है सीरीज के, तो रीढ़ का ऑपरेशन नहीं हुआ मेरा, समझ गए? तो कुशवाहा जी आपको भरोसा दिलाए हैं कि आपका? दिलाए नहीं, कितने आदमी के कराए वो? करवा दिए हैं। हाँ, मतलब काम करवाते हैं लोगों का। हाँ, बाकी यहाँ नहीं कराए। यहाँ और काम नहीं कराए हैं। हमारे मुखिया है वो संतोष है। हाँ। वो बोले कि आपको रीढ़ के ऑपरेशन 6-7 डबल है, एमपी कोटा से निकलता है। अच्छा, तो आओ आदमी के करा दिए। बाकी पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे मतलब आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तो नया है सर, ये नया है। तो आपको नहीं लगता है कि नया चेहरा को मौका देना चाहिए? तो मौका तो निर्दलीय से है। हाँ, निर्दलीय है। हाँ, तो उनको मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना तो चाहिए, तो निर्दलीय से ना है, देखिए। अच्छा, भविष्य अपन अपन। अच्छा, आपको यदि दो ऑप्शन दें कि बढ़िया नेता लालू यादव है कि मोदी जी है, तो आप किनको चुनिएगा? मोदी जी। मोदी जी को चुनिएगा, लालू यादव को कहे नहीं चुनिएगा? वो लालू यादव है ना, वो लालू यादव है जिस वजह से। अच्छा, चलिए, 85 बरस उम्र है उनको। क्या नाम हुआ आपका? नाम है प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद जी, किस मुद्दा पे आप लोग वोट करिएगा इस बार? मुद्दा क्या होगा वोट करने का? भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे? हाँ। काहे बीजेपी को वोट करने के लिए इतना उतावले है? उतावले की बात नहीं है कि हर चीज को व्यवस्था वो दिए हैं, जैसे गैस को दिए हैं, बिजली दिए हैं, वृद्धा पेंशन, या जो किसान को जो दे रहे हैं 6,000 रुपया। हाँ, दे रहे हैं। हाँ, मतलब मोदी जी के कार्यों से आप लोग जो है खुश हैं, जिस वजह से आप? हाँ, खुश तो है अभी तक। हाँ। अच्छा, मोदी जी से तो आप लोग खुश हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा से खुश हैं कि नहीं है? हाँ, उनसे भी खुश हैं। उनसे भी खुश हैं। हाँ। मोदी जी से तो हम लोग उनका एरिया में रहे हैं, सूरत रहते हैं सर। हाँ, वो जब चाय बेचते थे उस समय से जान रहे हैं उनको, जब मोदी जी चाय बेचते थे उस समय से। हाँ, सूरत बहुत दिन रहे। अच्छा, मतलब मोदी जी के राज में रहते थे वहाँ? मोदी जी के राज में रहते हैं। अच्छा, तो आप सूरत में भी रहे हैं, बिहार में भी रहे हैं, तो सूरत और बिहार में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? बहुत अंतर है। क्या क्या अंतर है? वहाँ सूरत महानगरी है। हाँ। अब बिहार चोर है। चोर है? आपका कैसे चोर है, काहे इधर आ जाइए? कहूँ जाएगा तो कोई गिनती नहीं है बिहार का। काहे नहीं गिनती? कह रहे हैं ना आपको, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बिहार का कोई गिनती नहीं है। काहे, मतलब कैसे, क्या? कंपनी में भी जाइएगा ना तो बिहार के आदमी के ज्यादा लेता है काम। हाँ, 12 घंटा काम ज्यादा लेता है बिहार? ज्यादा ज्यादा। हाँ, अब पेमेंट कम देता है? पेमेंट कम देता है। वजह क्या है इसका, कारण क्या है? ये सब काम करे वाला आदमी है, मारबो करे बिहारी है रे, और इल्लो सूरत है। बस, बस। कौन नेता के वजह से ऐसा हुआ? कौन नेता से, कौन नेता के वजह से हुआ? अभी ना बताएंगे सर। ना बताइएगा? अनपढ़ आदमी ना है हम। अच्छा, अनपढ़ आदमी है, बाकी गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम हुआ चाचा? अरुण मेहता। अरुण मेहता। मेहता जी बोलिए, किनको देख रहे हैं अभी? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं? काराकाट से किनको देख रहे हैं? काराकाट से देख रहे हैं कुशवाहा जी को। कुशवाहा जी को? कहीं जाति के नाम पर तो नहीं? नहीं, वो सब बात नहीं, जाति के नाम पर हम सब दिन से भाजपा में हैं, नरेंद्र मोदी के हम फेवर में हैं, और वो हमारे लिए का पूरे देश के लिए सेवा में है, इसीलिए हम भाजपा को ही समर्थक। वो देश के सेवा में तो है, लेकिन मोदी जी से आपको क्या फायदा है? फायदा है नहीं, 6,000 रुपया मिल रहा है, नल जल की सुविधा मिल रहा है, लाइट की सुविधा मिल रहा है, बहुत सुविधा है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में देश हमारा मर रहा था, उन्होंने देश को से छोड़कर विदेश तक वो जान बचाए, तो हम उनको छोड़ के हम कैसे दूसरे को जा सकते हैं? अच्छा। ऐसा ऐसा कुछ मुद्दा है, कश्मीर वाला मुद्दा, जो दफा धारा 370 को हटा दिए, इसके पहले कितने प्रधानमंत्री आए लेकिन किसी से सुधरा नहीं, लेकिन मोदी जी का ही देन है कि उनके रीजन में
ये सुधार हो गया। अच्छा और क्या कहें। अच्छा एक बात और बताइए कि आप लोग जो है 90 का भी दौर देखे होंगे, लालू यादव वाला दौर देखे हैं और मोदी जी का भी दौर देख रहे हैं, देख रहे हैं, दोनों का समय में अंतर क्या है, दोनों के शासन काल में अंतर क्या लग रहा है? बहुत अंतर है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिहार में उस समय क्या होता था और अब बिहार में जब तक लालू का सरकार रहा तब तक वो जातिवाद ही किए, अपनापन ही किए, लेकिन मोदी का जब सरकार आ गया बैकवर्ड को चांस मिलने लगा तो अब ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा तो कहीं ना कहीं मोदी जी के काम से आप प्रभावित होकर उपेंद्र कुशवाहा को वोट करेंगे। पवन सिंह के बारे में क्या विचार है आपका? बारे में कोई विचार नहीं है हमारा, कोई विचार नहीं है। निर्दलीय हैं, अगर कोई पार्टी से रहते पार्टी लेवल से, राजद से या भाजपा से, तो उनके बारे में विचार करते। अच्छा उनको आसनसोल से बीजेपी टिकट दी थी, तो फिर क्यों नहीं आसनसोल से खड़े रहे, फिर बिहार में क्यों आ गए? आसनसोल टिकट दी थी मुझे मालूम है, तो आसनसोल से क्यों नहीं चुनाव लड़े, फिर बिहार में क्यों आ गए? मतलब उनको बीजेपी के टिकट से आसनसोल से लड़ना चाहिए था। हाँ, तो ठीक। क्या नाम हुआ चचा? सतीश सिंह। सतीश जी आपका किस ओर का रुख है, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे पास में जी, बताइए। हमारा बीजेपी के ओर रुख है, हमारा नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। हालांकि हमारे गांव और लोकल क्षेत्रीय नेता तो उपेंद्र कुशवाहा सही नहीं है, लेकिन मोदी जी को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा को वोट यहाँ दिया जाएगा। यदि आपके पास उपेंद्र कुशवाहा के अलावा ऑप्शन में पवन सिंह है तब क्या कहना चाहिएगा? देखिए पवन सिंह ऑप्शन में ऐसे रहते तो कोई बात नहीं था, लेकिन अभी मोदी जी के राज्य में निर्दलीय उम्मीदवार को चांस देना अपना सही नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। राजा राम सिंह भी इंडिया अलायंस से है। राजा राम सिंह तो बहुत पुराने नेता हैं कम्युनिस्ट से, वो खैर उनकी ना कोई सरकार बन रही है, उनको वोट देकर बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा मतलब CPIML को वोट देकर जो है वोट की बर्बादी आप बर्बाद जा रहे हैं, मोदी जी के कार्य से प्रभावित है आप लोग उस ओर जा रहे हैं? जा रहे हैं मोदी जी के कार्य से प्रभावित। हालांकि हमारे नज़दीकी गांव के काम विकास काम तो कोई भी सांसद नहीं किया है, लेकिन मोदी जी के और बाकी देश के मतलब देश के मुद्दा को देखते हुए मोदी जी से प्रभावित है। मोदी जी का जो योजना तमाम आते रहता है आप लोगों तक पहुंचता है, जैसे नल ये हो गया विधा क्या कहते हैं, हाँ छोटी मोटी, हाँ छोटी मोटी योजना जो है से पहुंचता है। किसान निधि योजना मिल रहा है 6,000 लोगों को, गैस योजना मिला, लैट्रिन का पैसा मिला, लैट्रिन बनवाने के लिए सारे चीजें सुविधा मिल रहा है, इज्जत घर। अच्छा बहुत लोग कहते हैं कि 10 साल में महंगाई बहुत बढ़ा है, तो इस पर क्या कहिए? देखिए अब कहने वाले को अनेकों प्रकार की तर्क है, लेकिन 10 साल से महंगाई बढ़ा है तो 10 साल पहले लोग के पास एक भी मोबाइल नहीं था, आजकल घर में बच्चे के हाथ में हैंडफोन कहाँ से आ रहा है? महंगाई है तो फिर वो कहाँ से आ गया? सही बात है, महंगाई तो है सब कोई कहता है, लेकिन इनकम है तब ना महंगाई है। सही बात है, 10 साल पहले फोन का 10 साल पहले क्यों नहीं था किसी के पास आईफोन, आज घर के बच्चे के पास है, कहाँ से आ रही है? महंगाई तो है हम भी मानते हैं, लेकिन कमाई भी बढ़ा है तभी तो आ रहा है ना। महंगाई के साथ में आमद भी है, महंगाई कुछ नहीं है। अच्छा आमदनी भी है तब लोग जो है ये हो रहा है ना। वही तो सतीश जी कहे ना कि आज के 10 साल पहले किसी के पास में 1,000 रुपये का मोबाइल नहीं रहता था, आज 20-20 हज़ार रुपये का मोबाइल एक जनरल आदमी मजदूरा जो है वो भी रख रहा है, तो कमीनी है आमद है तब तो रख रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है ना, तो फिर महंगाई क्या है? महंगाई मतलब क्या महंगाई है? कुछ महंगाई नहीं है। पहले के गरीब लोग आप किसी भी गांव में जाते थे तो एक आध दूठ ऐसे व्यक्ति थे कि इसको पक्का का मकान मिलता था, आज हमारे ही गांव में देखिए आप ऐसा कोई गरीब मजदूर है जिसको एक तो दूठ रूम पक्का के नहीं है, मैंने छप्पर बांस कपड़ा तो खत्म हो गया, तो फिर महंगाई कौन सी है? हमारे गार्जियन कहते थे है तो इनकम है, इनकम का स्रोत है, कहीं ना कहीं से वो कमा रहा है चाहे मजदूरी करके। अच्छा एक और सवाल उठता है कि मोदी जी जब से आए हैं तब बेरोजगारी बढ़ा है, आपको ऐसा लगता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता है, ये मन की भरम है, विपक्ष वाले बहुत किस्म के मुर्दा उठाते हैं, लेकिन मोदी जी से आने से कोई ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है। रोजगार को रोजगार मिल रहा है, जो लड़का सही से अपना तैयारी कर रहा है, वैकेंसी अप्लाई कर रहा है, जॉब तैयारी कर रहा है, उसको नौकरी हो रहा है, उसको जॉब हो रहा है। हम पढ़ेंगे नहीं, बाबूजी हमको किताब कॉपी दे देंगे, ट्यूशन फीस दे देंगे, हम जाके स्कूल में फिल्म देख के चलाएंगे, तो हम क्या नौकरी लेवेंगे, क्या योग्यता प्राप्त करेंगे? तो अपने पैर में तो हम अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो मोदी जी इसमें क्या कर रहे हैं?
सही बात है, मतलब जो उस योग्य है, इनके लड़का का सर्विस हो गया, पढ़ा लिखा बढ़िया से हो गया, हमारा लड़का का सर्विस हुआ है, तैयारी किया, हम उसको खर्चा पाही ना दिए, उसको नौकरी हो गया। क्या करते हैं आपके बेटे? सीआरपीएफ में है। सीआरपीएफ में है, जवान है। वाह, मतलब उस जो जिस योग्य है, इनका कहना है कि जो जिस लायक है वो उस योग्यता के अनुसार अपना सरकारी नौकरी ले रहे हैं। अच्छा, कई सारे लोग समझते हैं कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही केवल होता है, वैसे लोगों को क्या ऐसा कोई बात नहीं है। रोजगार का मतलब कोई नौकरी करता है तभी जी नहीं खा रहा है। कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि बिना नौकरी किए हुए 5,000-10,000-50,000 लाखों रुपया कमा रहा है? नहीं कमा रहा है जी, कमा रहा है ना, तो नौकरी से कम क्या कमा रहा है? सही बात है। हम पढ़ लिख के मान लीजिए हमको नौकरी नहीं लगा, तो हमारे में दिमाग होगा तो हम 10 बच्चे को पढ़ा करके 10,000 रुपया महीना में कमा सकते हैं कि नहीं? सही बात। तो फिर हमारी गरीबी क्या रह गई जी? तो वो ज्ञान रहेगा तब तो हम 10 बच्चे को पढ़ाएंगे जी। तो फिर बेरोजगारी कुछ नाम के कोई चीज ही नहीं है। अभी समझिए कि आजकल के दिन में कोई गरीब है ही नहीं। युवक लोग से भी बात कर लेंगे। भाई साहब आप लोग बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले आप लोग के गार्जियन का प्रतिक्रिया ले लें, फिर उसके बाद नई पीढ़ी जो है वो क्या सोचती है वो भी जानेंगे। आपका नाम चाचा? उदय कुमार मिश्रा। उदय जी, क्या हाल चाल? ठीक है। ठीक है। इस भाई दुपहरिया में क्या कर रहे थे आप लोग चबूतरा पे बैठ के? यहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे छाँ में। छाँ में? भाई देखिए, लोग शहर में रहते हैं, एसी कूलर में रहते हैं, वो बात अलग है कि बंद कमरे में एसी में रह के उसे लोग टूटाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए बरगद का पेड़ है, चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पे नीम का पेड़ है, नीम का छाँव है, मतलब इतना ठंडा महसूस यहाँ पे हो रहा है जैसे कि लग रहा है कोई कूलर या एसी चल रहा है यहाँ पे। मतलब जी इधर माँ दुर्गा है। हाँ, अब देखिए यहीं पे मंदिर भी है। गांव का जो मजा है ना वो सच में कहीं नहीं मिलता। अभी हम लोग चुनावी यात्रा पे गांव-गांव जा रहे हैं, तो शुरुआत से मतलब गांव में रहे तो वो दिन याद आते हैं कि हम लोग गांव में बचपन में रहते थे। और बताइए क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? अभी तो यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है जी। आप लोग किन को देख कर वोट कर रहे हैं? हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देख कर वोट कर रहे हैं जी। पवन सिंह के बारे में क्या विचार है? अभी उसका हम लोग क्या बता सकते हैं। अभी जब की आईबो नहीं किया तो हम लोग चेहरा भी नहीं देखे, पवन सिंह का चेहरा भी नहीं देखे। चलिए यहाँ पे कोई नेता नहीं आए हैं, कुछ युवा लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं ना, आइए गांव के युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा संदीप नाम हुआ। संदीप जी क्या हालचाल? बढ़िया। गांव में घूम रहे हैं, गांव का माहौल क्या है अभी वो बताइए। गांव का माहौल यही है। इधर इधर आ जाइए थोड़ा सा, इधर का सीन अच्छा आ रहा है। हाँ बताइए। मोदी जी जो कहते हैं बिहार में 40 के 40 सीट लेंगे, हाँ। तो इस बार हम उनको कहना चाहेंगे कि वो जो 40 के 40 बात कर रहे हैं, इस बार तो हम बोलेंगे 40 के 40 इंडिया गठबंधन पूरा पूरी तरह से ले लेगी। और उनका सपना जो है 1-2 सीट भी मुश्किलें है मेरे हिसाब से, बिहार से। बिहार से कैसे भाई? और 400 का जो सपना है उनका, कहीं कहीं ना कहीं गांव में कुर्सी वाले जो आते हैं, आते आते बोलते हैं 500, लेकिन दे के 150 में जाते हैं। उसी हिसाब से मोदी जी का हाल होगा। क्या क्या 500 आते हैं? वो जैसे कुर्सी वाले आते हैं बेचने, जो कुर्सी बेचने आते हैं, तो शुरुआत में दाम 500 रखते हैं, लेकिन 150 में दे के चले जाते हैं। उसी हिसाब से मोदी जी जो 400 कर रहे हैं, कहीं 150-120 में ना दे के चले जाएं, इस हिसाब से 150 से पार नहीं होंगे वो। आपको लगता है इतना है भरोसा? एकदम भरोसा है, युवा लोग पूरा तैयार है, इस बार बदलाव जरूरी है। बदलाव क्यों जरूरी है? बदलाव इसलिए जरूरी है, मोदी जी वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी का, हमेशा 2 लाख नौकरी नहीं देते हैं, और बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है कि मजदूर यहाँ बिहार यूपी झारखंड से दूर जाने के लिए मजबूर हैं। युवा लोग जो है बीटेक करके तो क्या क्या करके इंजीनियरिंग करके घरे बैठा हुआ है, इसलिए रोजगार पे कोई ध्यान ही नहीं है। 5 किलो राशन से क्या होगा? 5 किलो राशन दे के वो चटनी चटाने वाला काम है, वो जो चटनी चटाने वाला काम है वो बहुत गलत है। अभी तो एक चाचा बोल रहे थे कि जो जिस लायक है उस लायक उनको रोजगार मिल रहा है। अब जो समझ रहा है वो जिसको जो है वो मन में बोलेगा ना, जैसे कि उनके लड़के को सीआरपीएफ में हुआ, उस योग्य थे तो उस योग्यता के अनुसार उनको मिला, वैसा कुछ नहीं है। बाकी सब तो जैसे जैसे कि अब देख लें 100 में से कम 2-4 गो को तो जेन्युइन नौकरी होना ही है, तो बाकी सब तो 90-98 गो तो बेरोजगार ही है,
तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि पूरा के पूरा बेरोजगारी छाया हुआ है। आप रोजगार से क्या समझते हैं पहले ये बताइए, क्या आप रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी समझ रहे हैं? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट में भी नौकरी कंपनी, बिहार में भी कंपनी नहीं है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि बिहार में कंपनी होना चाहिए, दो तीन कंपनी तो होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए। आप बताइए कि बिहार में कंपनी लगा नहीं, पिछले 17 साल से NDA का भी सरकार है, उसके पहले RJD का, महागठबंधन का सरकार था, मुख्य वजह क्या है कि हमारे यहाँ कंपनी नहीं बैठता है? मुख्य वजह यही है कि बदलाव होना ज़रूरी है। नहीं मतलब नहीं, वजह पूछ रहे हैं कि आखिर किन वजह से यहाँ इंडस्ट्री का सेटअप नहीं हो पा रहा है, आखिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? वो तो वजह बताएं ताकि लोग को पता चले, फिर उस वजह को जो है ख़त्म किया जाए। यहाँ पे वो है कि कोई ध्यान ही नहीं देता, जो ऊपर से जो जितने बड़े नेता हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जो हुए हैं, उनको ध्यान देना चाहिए बिहार में है कि नहीं है कुछ वैसा उद्योग जिससे युवा जो हैं बेरोजगार चल रहे हैं उनको कुछ मिले। अच्छा, पवन सिंह भी आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि जहाँ हैं वहीं ठीक हैं, वो नाचने गजाने वाले काम हैं वो वहीं ठीक हैं, उससे कुछ पवन सिंह से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अभी युवा के दिल में है RJD है, RJD आना चाहिए। हाँ। पूरा तैयार है युवा, इस बार बदलाव जरूरी है।